हेलो, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल कॉन्सेप्ट गुरु एके। तो मैं हाँ तुहाडा होस्ट अश्विनी कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, प्लस टू पोलीटिकल साइंस दी वीडियो है वास्ते वीडियो है। तो वीडियो तुसी मॉडल टेस्ट पेपर फॉर प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम, प्री बोर्ड तो फाइनल एग्जाम वास्ते भी तुसी इस यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने, डेफिनेटली तुहानू हेल्प करनगे फाइनल एग्जाम विच भी ते प्री बोर्ड दे विच भी। तो आओ वेखिए क्वेश्चन ने बेटा, ये जरा क्वेश्चन पेपर है ये मैडम शिवानी जी ने तैयार किया वै, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल हरछोवाल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के मैम ने उन्होंने पेपर तैयार किया वै अपने बच्चों वास्ते, पर असीं उहदा वीडियो भी बना रहे हैं ताकि सारे विद्यार्थी जिहड़े ने इहदी तों हैल्प लै सकन। सो पहला क्वेश्चन हैगा, राजनीति विच मनुखी सुभा नामक पुस्तक किसने लिखी? बेटा ये पुस्तक जी ग्राहम वालस ने लिखी, 1908 लिखी। अगला क्वेश्चन हैगा, नैक्सट दूजा प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिता? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने दिता, कार्ल मार्क्स ने। तीजा, दबाओ समूह की विशेषता है, दबाओ समूह की विशेषता है इच्छुक मैंबरी, इच्छुक मैंबरी का भाव मनमर्जी होए तो मैंबर बनो, मनमर्जी होए तो ना बनो। नैक्सट हैगा प्रश्न, चौथा प्रश्न, भारत में पंचायतों की शुरुआत कदों हुई? बेटा भारत में पंचायतों की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में हुई। तीजा हैगा, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। आम आदमी पार्टी अजे इलैक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन नहीं आया। छेवां प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन्हां दो देशों विच होया? बेटा ताशकंद रशिया का शहर है तो समझौता होया सी भारत ते पाकिस्तान का 1966 विच। सतवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने मनुखी अधिकारों की कदों घोषणा की? 10 दसंबर 1948, 10th December 1948। एक दल प्रणाली वाले दो देशों के नाल सो चाइना ते क्यूबा। लोकमत तो तुहाडा की भाव है? लोकमत लोगों की राय नूं कहा जाता, पब्लिक ओपीनियन है। चंगी राय हुंदी है जिहड़ी जिहदे च सारे समाज का भला छुपिया हुंदा, उसनूं लोकमत कहा जाता। तुसीं इत्थे किसी विद्वान की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का डैश देश है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मुढ़ला देश है, भाव जदों फाउंडर मैंबर है भारत, जदों संयुक्त राष्ट्र संघ बनया उदों ही भारत इसका मैंबर बन चुका सी। भारत में पहली आम चोणा डैश विच हुई 1952 विच हुई। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, नौकरशाही शब्द नू अंग्रेजी विच डैश किया जाता, ब्यूरोक्रेसी किया जाता। भारत दे अमरीका नाल हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, ये ठीक है या गलत? ये गलत है क्योंकि हर बहुत ही बार अमरीका का झुकाओ पाकिस्तान वाल सी, इस करके भारत नाल कोई बहुते वधिया संबंध अमरीका दे नहीं रहे। अगला प्रश्न हैगा बेटा, अनपढ़ व्यक्ति राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देंदे हन? गलत। गांधी जी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सन, बिल्कुल ठीक। उधारवाद व्यक्तिवाद का ही दूजा रूप है, ये भी ठीक है। सो ये बेटा क्वेश्चन सीगे, बाकी है क्वेश्चन चार नंबर के पांच क्वेश्चन जिहड़े तुसी करने हैं, ये तुसी इन्हां दे आंसर तुसी एजुकेयर ऐप तो देखने ने। एजुकेयर ऐप तुसी खोलो तो उहदे च सीनियर सैकेंडरी च जाना, फिर पोलीटिकल साइंस जाना, तो तुहानूं सारे चैप्टरां दे छोटे छोटे आंसर मिल जाणगे। तो फिर उहदे विच तुसी ये आंसरां दी तैयारी कर सकते हो। जेकर तुहाडे कोल बुक्स अवेलेबल ने तो उत्थों भी देख सकते हो। आओ देखिए किहड़े प्रश्न ने, उधारवाद के कोई दो चार मूल सिद्धांत लिखो। नौकरशाही नूं प्रशासन की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता? बड़ा सौखा है बई, सारा प्रबंध ही इन्हां दे आले दुआले घूमदा है। तीजा, दबाओ समूह दीआं चार विशेषतावां लिखो। चौथा, राष्ट्रीय एकीकरण के रस्ते चाहण वालीआं कोई चार रुकावटां दसो। पंजवां, पंचशील की है? भारतीय पंचशील दे सिद्धांत, सॉरी पंचशील दे सिद्धांत लिखो। नैक्सट हैगा छेवां, सारक तो तुहाडा की भाव है? इसके मुख उद्देश बारे लिखो। सतवां, नगर निगम दे कोई चार कार्ज लिखो। सो ये सत ही प्रश्न सीगे, इन्हां चों पंज ही करने हुंदे ने बेटा। भाग ईडी जिहड़ा वै, भाग ईडी
इंटरनल चॉइस चो कोई एक प्रश्न करना होंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न ने तो जरूर इन्हों अपन बुक्स तो या एजुकेर ऐप तो नोट कर लियो। राजनीतिक प्रणाली का अर्थ और विशेषतावां का वर्णन करो ज गांधी जी के आदर्श राजां दी विशेषतावां लिखो। बेटा फाइनल एग्जाम भी ये जा वाले प्रश्नों चो एक ही करना वै दो करोगे नंबर एक दे आउणगे याद रखियो। अगला क्वेश्चन हैगा राजनीतिक दलों की परिभाषा दो तो इन्हों दियां चार विशेषतां वर्णन करो ज भारत में संसदी सरकार दियां छे विशेषतावां का वर्णन करो। नैक्सट क्वेश्चन हैगा छे नंबर का इन विचों एक ही करना है मत विहार तो तुहाडा की भाव है भारत में मत विहार को प्रभावित करने वाले चार तत्थों का वर्णन करो ज निशस्त्रीकरण तो तुहाडा की भाव है भारत द्वारा इन्हां इस दिशा में चुके कदमों का वर्णन करो। इस तो बाद बेटा पैरा है तुहानू पता पैरे नू पढ़ के आपां प्रश्नां दे उत्तर देने हुंदे ने आओ देखिए पैरा ते पढ़न नू टाइम लगता पर आपां सीधा प्रश्न के उत्तर की गल करांगे। भारत ते श्रीलंका के संबंध किन्ने पुराने हन देखो जी का उत्तर जिहड़ा पहली लाइन च ही है भारत श्रीलंका के संबंध लगभग 2000 सालों तो ज़्यादा पुराने हैं ठीक है। दूजा प्रश्न जिहड़ा किन्हां दो देशों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय अंदोलन चलिया सी किन्हां दो देशों के विच चलिया सी भारत ते दोहां विच ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय अंदोलन चले यानी भारत ते श्रीलंका का आंसर है भारत ते श्रीलंका दोहां देशों दे विच ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय अंदोलन चलिया सी। तीजा भारत सन डैश विच सुतंत्र होया तुहानू पता भारत जिहड़ा कदों सुतंत्र होया भारत 1947 च सुतंत्र होया 15 अगस्त 1947 नू भारत आजाद होया ठीक है। नैक्सट हैगा चौथा प्रश्न श्रीलंका कदों सुतंत्र होया बेटा इहदा आंसर भी पैरे दे विच हैगा बई देखो श्रीलंका ते शासन ना कर सके ते 1948 श्रीलंका सुतंत्र होया श्रीलंका 1948 सुतंत्र होया ठीक है। श्रीलंका ने भारत का समर्थन कदों नहीं किया ए देखो बेटा इहदा आंसर है इस लाइन च 1962 जदों चीन ने भारत ते हमला किया तो श्रीलंका ने भारत का समर्थन नहीं किया जिस नाल भारतीयों दे भारतीयों दी भावना नूं ठेस लगी। सो ये सीगा पैरा टाइप क्वेश्चन ठीक है। तो जिहड़े क्वेश्चन आपां नहीं कीते सिर्फ तुहानूं क्वेश्चन दसे ने वो क्वेश्चन जिहड़े ने तुसीं एजुकेर ऐप जां बुक्स तों आंसर कर सकदे हो तैयारी करो बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने सारे। थैंक यू वेरी मच वेखदे रहो कॉन्सैप्ट गुरु ए के चैनल सबसक्राइब भी कराओ तो क्लासिस रैगूलर लगदियां भी अटेंड करो प्ले मेरे चैनल की प्ले लिस्ट प्लस टू तो बी ए सिलेबस 1-2 बी ए सिलेबस भी इच होंगे ने जदों लोड पवे तुसीं उत्थों देख सकते हो। थैंक यू कीप वाचिंग कॉन्सैप्ट गुरु ए के थैंक यू।